देखिए तो यह मेरी एक मनपसंद चीज में से एक है। क्या आपने इसे कभी खाया है? क्या है ये? जी हाँ, मट्ठी या मठरी जो हम इसे कहते हैं, यह है मेरी मनपसंद चीजों में से एक। और आज मैं ढेर सारी मट्ठी खरीद कर लाई, यानी कि ये पैकेट जो है मेरा फेवरेट, उसे मैं खरीद कर लाई, ये मठरी का पैकेट। तो दोस्तों, क्या आपको भी मठरी पसंद है? पर सोचिए, जब आप अपनी मनपसंद चीज या कोई भी खाने की चीज खरीदते हैं, जैसे ये पैकेट में खरीद कर लाई जो पैकेट में बंद होता है, तो हम सबसे पहले पैकेट पर क्या देखते हैं? क्या हमें पैकेट पर लिखी चीजों से कोई जानकारी मिलती है? या हम दुकानदार के पास जाते हैं और हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले तो हम पूछते हैं, जो चीज हमें खरीदनी है क्या आपके पास वो है? हम पूछते हैं, भैया आपके पास मट्ठी है? और उसके बाद हम उनसे पूछते हैं, क्या कितने की है? दाम पूछते हैं। पर अगर चीज पैकेट में बंद हो तो हम क्या कर सकते हैं? यदि ये चीज पैकेट में बंद हो तो हम पैकेट पर लिखे दाम को पढ़ सकते हैं या नहीं? तो जब हम कोई पैकेट की चीज खरीदते हैं तो एक तो हम उसे पढ़कर भी बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, दूर से ही नजर घुमाकर हम बता सकते हैं कि कौन सा पैकेट हमें खरीदना है अगर हमें वो दिख जाए तो, और हम चाहे तो यदि हम वो पैकेट उठाकर देख सके तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उसका दाम क्या है, क्योंकि पैकेट पर पीछे की ओर लिखा होता है सामान का दाम, जो खाने की चीज होती है उसका दाम। तो चलिए देखते हैं इस पैकेट को गौर से, करीब से, और देखते हैं कि इस पर आखिर और क्या क्या चीजें लिखी है और क्या पता लगा सकते हैं हम खाने के पैकेट को देखकर। जब हम उस पर लिखी चीजों को पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता लग सकता है? तो चलिए पता लगाते हैं कि दाम के अलावा इस पैकेट पर हम और क्या पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है मौजूद मट्ठी का पैकेट जो मैंने खरीदा। अब जरा देखते हैं हमें यहाँ पर इस पैकेट पर क्या क्या जो जानकारी है वो मिलती है। साथ ही ये पीछे का हिस्सा है, जो पैकेट था उसके पीछे की तरफ ये सब लिखा था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इस पर क्या क्या जानकारी हमें मिल सकती है। सबसे पहले देखते हैं यह है। अब सबसे ज़्यादा बड़ा बड़ा तो यहाँ क्या लिखा है, जिससे पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ है वो कहाँ लिखा है? यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ क्या लिखा है ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है अचारी मट्ठी, यानी कि मट्ठी जो है वो अचारी मट्ठी है। तो अक्सर हमें खाने के पैकेट पर मिल जाता है क्या, चीज़ का नाम यानी सामान का नाम क्या है, नेम ऑफ द थिंग, जैसे यहाँ हमें दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम ऊपर की ओर देखें तो यहाँ लिखा है बिकानो, यानी कि जो कंपनी है जिसने इसे बनाया है, कंपनी का नाम यानी कि कंपनीज नेम, वो भी लिखा हुआ दिख रहा है हमें यहाँ। उसके अलावा यहाँ नीचे यहाँ पर भी कुछ लिखा है, यहाँ लिखा है नेट वेट, वेट यानी कि वज़न, यानी कि उसका वेट जो कि है 400 ग्राम, 400 ग्राम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ज़रा हम पीछे का हिस्सा देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ पर भी सामान का नाम दिया हुआ है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, पर यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ लिखा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, यानी कि इंग्रेडिएंट्स उसका मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, जो ये खाने की चीज़ है, वो आखिर बनी किन किन चीज़ों से है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है रिफाइंड व्हीट फ्लावर, यानी कि जिसे हम मैदा कहते हैं, और लिखा है ऑयल का नाम यानी तेल, मैंगो पिकल यानी अचार जो होता है वो, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है अगर हम पढ़े तो। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है एलर्जन अलर्ट, यानी कि अलर्ट दिया हुआ है, सावधान रहने को कहा हुआ है, किस चीज़ से? एलर्जन यानी कि चीज़ें जिससे एलर्जी हो सकती है, थिंग्स दैट मे कॉज एलर्जी, यानी कि कई लोगों को कुछ कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, वो सब यहाँ लिखे हैं, जैसे कि पीनट्स यानी मूंगफली, नट्स, कुछ नट्स से कई लोगों को एलर्जी होती है, उसके अलावा ओट्स, यह सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। फिर हम अगर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि यह सामान जो है, खाने की चीज़ जो है वो कहाँ बनी, सामान कहाँ बना, वेयर इज़ इट मेड, तो यह सामान कहाँ बना वो यहाँ पर लिखा है। अब अगर हम राइट की ओर चले और यहाँ देखें तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स यहाँ पर भी दी हुई है। देखते हैं आखिर क्या डिटेल्स है। सबसे ऊपर यहाँ पर दोबारा से दिया हुआ है वज़न यानी कि वेट, यानी कि 400 ग्राम्स जो है इसका वज़न।
और फिर अगर हम नीचे की ओर देखें थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा है रुपीस का सिंबल है, यानी रुपए का साइन है, और लिखा है 145, यानी कि यह लिखा है दाम कॉस्ट, जो कि क्या है इस पैकेट की कॉस्ट 145 रुपीज़, यानी कि 145 रुपये। और फिर उसके नीचे अगर हम देखें तो दो तारीखें लिखी हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और उसके आगे लिखा है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट जो कि यूज़ बाय, यानी कब तक हम इस सामान को यूज़ कर सकते हैं। तो दो डेट्स हमें मिली यहाँ पर, एक तो सामान बनने की तिथि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, और उसके साथ साथ कब तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी लिखा है, यानी कि यूज़ बाय या फिर जिसे हम एक्सपायरी डेट कहते हैं वो भी लिखा है। तो हम कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, यह जो मट्ठी है इसको कब तक खा सकते हैं, यहाँ लिखा है 4/10/2023, यानी कि अक्टूबर 4, 2023 तक यह मट्ठी खाई जा सकती है, जो कि हमें यहाँ पर पता लग रहा है इस पैकेट को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, हमने ये मट्ठी की पैकेट को तो पढ़ लिया और जाना कि पैकेट पर क्या क्या चीज़ें दी होती है। जब आप कोई पैकेट खरीदने जाते हैं, खाने का सामान खरीदने जाते हैं, तो आप पैकेट पर क्या क्या पढ़ते हैं, क्या पता लगाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक दवाई का पैकेट दिया हुआ है। अब ज़रा इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए और बताइए आपको यहाँ इस पैकेट पर आखिर क्या क्या जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, हमने जाना खाने के पैकेट पर क्या क्या जानकारी, वॉट इन्फॉर्मेशन कैन बी फाइंड ऑन अ फूड पैकेट। ज़रा आप भी आंखें चारों ओर दौड़ाइए और ढूंढिए कोई पैकेट खाने के सामान का, और देखिए कि उस पर क्या क्या जानकारी है जो आपको मिल सकती है। क्या आप बता सकते हो कि वो जो खाने की चीज़ है वो कब ख़राब हो जाएगी, यानी कब तक वो खाई जा सकती है, और फिर कौन सी तिथि ऐसी है जिसके बाद उसे हमें नहीं खाना चाहिए। ज़रा देखिए तो अपने आसपास।